और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक, 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया, प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है, लेकिन 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 9:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग, तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग, दिस कैन लीड टू सीरियस इश्यूज समटाइम्स, इवन द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड अचीवमेंट इज नथिंग बट फ्रस्ट्रेशन। सो ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब जब इस देश में, जब जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है, तो सभी रिस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा, बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूं, लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं दो बात बता रहा हूं बस, मोटी सी दो बात, बाकी सब आपको मालूम है, वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं, जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी, अरे भाई पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, दो बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी, 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है, ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें बाई दी आई हैं वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं, हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे फैक्ट बाय फैक्ट, सो इसमें कोई डाउट नहीं है, वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी, एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे, तो आई एम नॉट गोइंग इन इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए, बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकेंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना, इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं, मतलब कितनी बार। एनीवे, कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना, वोटिंग से करीब करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है, 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं, तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे, हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हो। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, मस्ट है, ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी,